राणा प्रताप बस स्टैंड, मंदसौर का नया बस स्टैंड। मनासा है, मनासा का बस स्टैंड है। जय गणेश, जय गुरु रविदास। दोस्तों नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल ट्रेवलिंग इन ऑल भारत पर स्वागत है। आज मैं आया हूँ भादो माता दर्शन करने। नवमी का दिन है, आज मैं दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो आइए आप ये देखें, ये भादो माता के लिए बस स्टैंड है। यहाँ पर यहाँ बसें रुकती हैं और ये कुछ लोग अपनी अपनी पर्सनल वाहन से भी आते हैं। ये कुछ यहाँ का ऐसा नज़ारा है, देख सकते हैं आप। ये कुछ दुकानें लगी हैं यहाँ पे, ये और ये रास्ता गया है माता जी के दरबार में। चलिए मैं दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। देखें, एक छोटा सा ब्रिज है और पास में ही एक नदी है। एक ही और ये माता के दरबार के लिए मेन गेट है। ये देखें, यहाँ कुछ ऐसे व्यापारी लोग भी बैठे हैं छोटे छोटे रोड पे, जो अपने अपने सामान लेके बैठे रहते हैं बेचने के लिए। ये देखें, ये मेन गेट है ये माता के दरबार में जाने के लिए। देखें, कुछ ऐसा मार्केट है माता मंदिर के दरबार के बाहर, देख सकते हैं आप। ये भादो माता मंदिर आए हैं हम यहाँ, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये दुकानें लगी हैं, जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं उनके लिए चाय नाश्ते पानी की दुकानें लगी हैं, आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम भादो माता के दरबार में, आपको मैं दर्शन करता हूँ और आपको भी दर्शन कराता हूँ। देखें आप, देखिए यात्रीगण जो आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालुगण। एक्चुअली ऐसी आस्था है कि माँ के दरबार में दर्शन करने से और जो सामने कुंड बना है वहाँ नहाने से कई लकवाग्रस्त ठीक हो गए हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कुछ धर्मशालाएँ भी बनी हैं जो यात्रीगण आके रुक सकते हैं, उनके लिए सुविधा है। देख सकते हैं आप, ये देखिए बच्चों के मनोरंजन के लिए भी, देख सकते हैं आप। ये बच्चों के मनोरंजन के लिए भी आप देखें, ऐसे लगे हैं। हेलो, देखो सब इधर देखो, ये हाँ ऐसे करो, हाय हाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय, चलो बाय बाय करो, बाय बाय। हेलो, इधर इधर देखो बेटा, इधर ये देखो, ये देखो। ऐसे बच्चों के लिए भी मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये दुकानें लगी हैं आप, कोई भी आइटम ले लो 10-10 रुपए में। ये देखें यहाँ माता के दरबार के बाहर, गेट के बाहर आप देख सकते हैं प्रसाद की और माता की चुनरियाँ मिल रही हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं यहाँ भी, ठीक है। ये धर्मशाला भी देख सकते हैं, यहाँ पर आने के खूब साधन है। आप मंदसौर से डायरेक्ट साधन भी है, मनासा भी आ सकते हैं, मनासा के द्वारा यहाँ भी आ सकते हैं। ये देखें बच्चों के खेलने के लिए, देख सकते हैं आप।
कुछ इस तरीके के मरीज आते हैं, आस्था लेके आते हैं ताकि यहाँ भादो माता के यहाँ उनके मनोकामना पूर्ण हो जाए। इस तरीके से लकवा ग्रस्त लोग आते हैं, आस्था है लोगों के प्रति, माँ के प्रति यहाँ पर आते हैं और वही आस्था है जो काम करती है। सच्ची आस्था है अगर आपके मन में तो आपके सारे दुख दर्द दूर होते हैं। ये देखें, ये देखें मंदिर गेट के ठीक सामने ये दुकानें लगी हैं, काफ़ी कुछ नाश्ते पानी भी कर सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं आप, सब चुनरी उनरी मिल जाती, नारियल प्रसाद कंकु वगैरह सब मिल जाता है आपको, प्रसाद विसाद ये वो सब देख सकते हैं। ये मेन गेट है, ये एंट्री गेट है माता के दरबार में जाने के लिए। ये रास्ता है, देखिए मंदिर प्रांगण में जाने के लिए रास्ता, देखिए भादो माता मंदिर प्रांगण में जाने के लिए। ये ऐसे कुछ श्रद्धालुगण आए हैं, देखो आप इस तरीके से, ये सब लकवे से ग्रस्त है, मन में आस्था है माँ के प्रति कि माँ के दरबार में आएंगे और यहाँ का जो पानी है उसमें स्नान करने से ठीक हो जाएंगे, ये मन में ऐसी आस्था है। देखे काफी श्रद्धालुगण है मंदिर के प्रांगण में, ये देख सकते हैं। मेन मंदिर है भादो माता का, आप देखें काफी भीड़ लगी हुई है। आस्था के प्रति देखें आप लोगों में कितनी श्रद्धा है। जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो इस प्रकार से कोई बकरे कोई मुर्गे ये माँ के दरबार में छोड़ के जाते हैं।
ये देखें आप, इस प्रकार से भीड़ लगी रहती है माता जी के मंदिर में। वो भादो माता का मंदिर दिखाया मैंने आपको, माँ के दर्शन कराए हैं, देख सकते हैं आप। ये पूरा मंदिर प्रांगण है पूरा, देखें आप। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुगण आए हैं, दूर दूर से आते हैं। एक मन में आस्था है, उनके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और जिनके मन में सच्ची आस्था है, वाकई होता भी है ऐसा, सिर्फ आस्था सच्ची होना चाहिए। ये ऐसा मंदिर का प्रांगण है, आप देख सकते हैं। ये भादो माता मंदिर है, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है। आप काफी सारी दुकानें लगी हैं यहाँ पे, देखें। ये है वो अमृत बावड़ी है भादो माता मंदिर प्रांगण में, जहाँ के पानी से जितने भी लकवा ग्रस्त हैं उनके मन में अगर आस्था है, सच्ची आस्था है, तो वो इस पानी के उससे नहा के और ठीक हो जाते हैं, ऐसा है। अभी ये यहाँ पर तो नहीं नहाते, लेकिन यहाँ से पाइपलाइन डाल के बाहर कर दी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर आप नहाने का बावड़ी बना दी है, वहाँ पर आप नहा सकते हैं। ये भादो माता प्रांगण है, गार्डन भी बनाया है ताकि श्रद्धालुगण आराम से बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। और ये टंकी बनाई है, पानी डायरेक्ट वहाँ से पाइपलाइन के द्वारा इसमें आ जाता है और यहाँ से आप लोग नहा सकते हैं और यह ले जा सकते हैं। जो लकवा ग्रस्त लोग हैं उनके लिए, उनके मन में आस्था है और आस्था सच्ची होना चाहिए तो ठीक भी हो जाते हैं। ये देखें, वो देखें, जो देख रहे हैं सामने आप, वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है नहाने के लिए। जो लकवा ग्रस्त आते हैं, सादे लोग भी नहा सकते हैं। इस ब्लॉग को अब यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। बाय।